वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं दही बैंगन। ये एक बहुत ही यूनिक रेसिपी है एंड ट्रस्ट मी बहुत ही डिलीशियस लगती है। अगर आपको बैंगन पसंद है तो प्लीज इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे इस रेसिपी को बनाना है। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई को गरम होने रख दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। जैसे ही तेल गरम होगा मैं इसमें बैंगन डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 से 6 बैंगन लिए हैं जिनको मैंने ऐसे क्वार्टर्स में कट कर लिया है। इन बैंगन को अब हम फ्राई करेंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि बैंगन जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको एक बोल में निकाल लेंगे। अब मैं सेम कढ़ाई में 1 चम्मच तेल और डाल रही हूँ। तेल थोड़ा गर्म होगा, मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 1/2 चम्मच हींग, 1 हरी मिर्च जिसको मैंने छोटा छोटा चॉप किया है, 1/2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 बारीक कटी हुई प्याज। इनको हमें अच्छे से भून लेना है जब तक जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। देख सकते हैं प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सबसे पहले 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको ख्याल रखना है कि आपकी जो गैस का फ्लेम है वो एकदम लो होना चाहिए, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तो 1 मिनट के लिए बस हम इनको भून लेंगे। भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप पानी और एक बॉईल आने तक इसको हम पकाएंगे। बाद में इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप दही। तो दही को आपको अच्छे से फेंट लेना है और आपको लो फ्लेम पे ही दही को ऐड करना है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐड कर देंगे हमने जो बैंगन फ्राई करके रखे थे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसको हमें कुक करना है 2 से 3 मिनट के लिए ताकि जो जितने भी बैंगन है उसमें अच्छे से दही का फ्लेवर चले जाए। तो इसलिए मैं इसको ढक कर लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करूँ। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे दही बैंगन बिल्कुल रेडी हैं। फाइनली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।